बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एसएन जी आज आपके लिए बहुत ही इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मी का मौसम है और ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आज हम बना रहे हैं आइसक्रीम। और ये बना रहे हैं बिल्कुल हम घर में मौजूद चीज़ों से, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध लिया है जिसे मैंने उबाल लिया है, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले हमने उसमें से ये आधी प्याली हमने दूध अलग किया और ये है कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये टूटी फ्रूटी बना रहे हैं, ठीक है। इसमें जो टूटी फ्रूटी इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और उसकी तरकीब भी बता दूंगी, और कि आगे चल के कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा सकूँ। ये जो है कॉर्नफ्लोर है 3 1/4 टेबल स्पून, ठीक है। और ये हम सबसे पहले इस दूध में घोल लेंगे। दूध हमारा ठंडा है, उबाल के हमने निकाला और फिर उसको ठंडा कर लिया। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस। ये गए हमारे चंद कतरे वनीला एसेंस। आप चाहें तो इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टूटी फ्रूटी आइसक्रीम जो है मोस्टली मुझे पिंक में पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल रही हूँ ताकि हम इसको, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में फूड कलर है, आपके पास अगर लिक्विड है तो वो भी चलेगा। नहीं, ये बेसिकली कॉर्नफ्लोर तैयार करके रख लिया है, तो हम अभी चलते हैं अगले प्रोसेस में। जी नाज़रीन, अब हम दूसरे स्टेप पे आ गए। दूध हमने उबाल के रखा हुआ है, इसमें हम सबसे पहले ये तकरीबन 3/4 जो है ये शुगर है, तकरीबन भी नहीं पूरी 3/4 ही मैंने ली है, मुझे थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसको 3/4 लिया है। अगर आप चख लें, क्योंकि घुल जाएगा, अगर आपको मतलब थोड़ा डालें और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फिर बढ़ा लें। तो सबसे पहले हम चीनी घोल लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, 2-3 मिनट लगे हैं और हमारी चीनी घुल चुकी है। अब जो हमने ये कॉर्नफ्लोर का बैटर जो बना के रखा था, हमने घोल के रखा है, वो शामिल कर देंगे इसमें। इसे अच्छी तरह पहले डालने से पहले भी इसे अच्छी तरह मिक्स करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसको डालने का, जैसे कस्टर्ड या कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो आपको पता है फ़ौरन चम्मच चलाया जाता है। अगर आपको कलर जो आप रिक्वायर्ड है, अगर आप इसमें वनीला डाल रहे हैं, और इस पॉइंट पे भी अगर आपको ये थोड़ा सा लाइट लगे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा लाइट है तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। ये देखें नाज़रीन, तकरीबन 5 मिनट गुजर गए। 5 मिनट इनफ होते हैं। अगर आपका नहीं हो रहा, आँच में कुछ गड़बड़ है, तो आप इसको मतलब इस हद तक गाढ़ा कर लें, देख सकते हैं आप। और अब मैं इसका चूल्हा बंद करके और इसे ठंडा करूँगी। और ठंडा करने में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फ़ौरन इसमें बीच बीच में मैं चम्मच चलाऊँगी, ताकि आपको पता है कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर पर एक लेयर बन जाती है, वो लेयर नहीं बनानी है हमने। तो फिर मैं इसको डिश में डालूंगी और फिर मैं आपको बाकी का प्रोसीजर दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, देखें हमारी जो हमारा जो कस्टर्ड हमने वो सा बना के रखा था, वो ठंडा होके अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब मैं इस पॉइंट पे इसको बीट करूंगी। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा बीट किया है और उसके बाद मैंने इसमें एक पैकेट किसी भी ब्रांड की जो क्रीम्स मिलती हैं टेट्रा पैक की, एक पैकेट मैंने वो शामिल किया है। अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो और घर की फ्रेश मलाई हो तो 1 कप वो शामिल कर लीजिएगा। दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जी नाज़रीन, ये देखें ये अच्छा फ्लफी सा हो गया है। और ये जो है अब मैं इसको एज इट इज़ फ्रीज़र में रख दूंगी मैं करके, और आप इसे फ्रीज़र में रख दें और 4-5 घंटे बाद निकाल के हमने दोबारा बीट करना है। या ब्लेंडर जार में चला रहे हैं तो आप ब्लेंडर जार में शिफ्ट दोबारा चलाएंगे एक दफ़ा, और तो 1 से 2 दफ़ा करना चाहिए। जी नाज़रीन, तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 4.25 घंटे हो चुके हैं, और
और हमारी आइसक्रीम ये देखें आप, ये मैंने असल में थोड़ी देर बाहर छोड़ी थी तो ये बिल्कुल जमी जमी सी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह, जी नाजरीन ये हमारी आइसक्रीम जो है ये दोबारा से फ्रीज़ हो चुकी है। इस ये जो प्रोसेस मैं अभी कर रही हूँ यही सेम प्रोसेस मैंने पहले भी किया था, तकरीबन 5 घंटे बाद मैंने इसको निकाला और इसी तरह थोड़ी देर बाहर छोड़ा। जी नाजरीन ये देखें ये आइसक्रीम जो है मैंने इसमें कन्वर्ट कर ली, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको दिखाने में मुश्किल होती, इसलिए अब मैं इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। ये देखें नाजरीन मैंने इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा इसी डिश जो बाउल है इसके अंदर डाल के और बीट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाजरीन अब हम इसको बीट करेंगे। ये देख सकते हैं नाजरीन ये अभी इसमें क्रिस्टल बाकी है, ये आपने चेक करना है इसके क्रिस्टल ख़त्म हो जाए। तो अब मैं जो हूँ इसमें इसकी एक सेकेंड अटैचमेंट लगाऊंगी। ये देखें नाजरीन ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट सा बन गया और खूब फ्लफ़ी सा हो गया है। तो अब ये रेडी है, आप इसको ब्लेंडर में भी डाल के कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है नाजरीन। ये देखें इसका बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो चुका है। अब हम इसकी जो इसका नाम है यानी टूटी फ्रूटी, तो हम इसमें ये टूटी फ्रूटी डालेंगे। ये मेरे पास 4 कलर के हैं, ये चारों मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको हम इसमें अच्छी तरह फोल्ड कर देंगे। अब ये आप पे टोटली ऑप्शन है कि अब देखें मेरे पास ये हैं इस तरह के, बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं, आप इसमें जमाएं, आप किसी प्याले में जमा लें, आप किसी बॉक्स में जमा लें, जैसे आप चाहेंगे आप उस तरह कर सकते हैं। ये देखें नाजरीन इस तरह हमने बॉक्स में डाल दिया है, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैंने बचाई थी, ये मैं ऊपर से इस तरह इस पर थोड़ा थोड़ा, अब मैं इसे ओवरनाइट या 8 से 10 घंटे के बाद निकालूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाजरीन ये देख सकते हैं आप हमारी आइसक्रीम जो है वो तैयार हो चुकी है और अब जो है मैं इसमें से आपको स्कूप निकाल के और दिखाती हूँ, इसको किसी भी तरीके से आप असेंबल कर सकते हैं। जी नाजरीन ये देखिए ये हमारी स्टिक जो है ये हम इसको थोड़ी देर इस तरह पानी में डिप किया कर लें तो ये आराम से बाहर आ जाती हैं। तो अब ये देखें ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। और ये नाजरीन आइसक्रीम हम इस तरह सर्व कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार की मज़ेदार आइसक्रीम है। हमने इसमें घर की टूटी फ्रूटी डाली है, आपको इसकी भी रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और इसके लिए एक टिप मैं आपको बता दूं कि ये जितना अच्छा ब्लेंड होगा वो आपकी आइसक्रीम उतनी अच्छी बनेगी, बीट करेंगे आप इसे। तो ये तैयार है, आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।